मित्रों, मैं डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक खटीमा उत्तराखंड से हूँ। जन सरोकार मंच टोंक और उसके सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। अपना काव्य पाठ और कुछ अपने अनुभव की बातें बताने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पंडित लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उनको नमन करते हुए अपनी एक कविता का पाठ करना चाहूँगा। कविता और गीत क्या होता है इसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले 2 अक्टूबर के बारे में मैंने एक कविता लिखी थी, उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 2 अक्टूबर के दिन जन्मा भारत भाग्य विधाता, 2 अक्टूबर के दिन जन्मा भारत भाग्य विधाता। इसी दिवस से 2 अक्टूबर से और इसी दिवस से पंडित लाल बहादुर का है नाता। और धन्य हो गई भारत की धरती इन वीर सपूतों से, धन्य हो गई भारत की धरती इन वीर सपूतों से। ओ मस्तक ऊंचा हुआ देश का अमन शांति के दूतों से, मस्तक ऊंचा हुआ देश का अमन शांति के दूतों से। और 2 अक्टूबर के दिन उपवन, 2 अक्टूबर के दिन उपवन जी भर के मुस्काया, और गांधी जी के बाद बहादुर लाल चमन में आया, और गांधी जी के बाद बहादुर लाल चमन में आया। जय जवान और जय किसान का नारा लगा दिया था, जय जवान और जय किसान का नारा लगा दिया था। और दुष्ट पाक की सेना को सीमा से भगा दिया था, और कायरता का समझौता तुमको था रास न आया। ये गहरा आघात हृदय को सहन नहीं हो पाया। और सीखा नहीं कभी था तुमने घुट घुट करके जीना, और सबसे प्यारा लाल हमारा ताशकंद ने छीना। प्रणाम करता हूँ दोनों विभूतियों को, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। अब मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें करना चाहता हूँ। नहीं रहा हूँ मैं कभी दर दर का मुहताज, और मुख पोथी पर स्वयं की रचना पढ़ता आज। मित्रों, मैं आज गजल के बारे में सबसे पहले आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। गजल ये अरबी साहित्य की विधा है, गजल अरबी साहित्य की विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू और हिंदी साहित्य में भी लोकप्रिय हुई। और गजल क्या होती है ये बताना चाहता हूं। गजल क्या होती है? गजल एक ही बहार और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का एक समूह। एक ही बहर और वजन में लिखे गए शेरों के समूह को गजल कहते हैं, और गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। जी हाँ,
गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं और गजल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। और मक्ते में शायर अपना नाम रखता है, उपनाम तखल्लुस ये मक्ते में रखता है शायर। और गजल में आमतौर पर शेरों की संख्या विषम रखी जाती है, 3, 5, 9, 25 या उससे भी अधिक। ये शेर अगर विषम संख्या में होते हैं तो वो गजल अच्छी मानी जाती है। और गजल के बारे में कुछ विशेषता बताता हूं। कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर एक सा अर्थ देते हैं और वो शेर कथाबंध शेर कहलाते हैं। जी आप नोट कर लीजिए, कहीं पर अगर कोई सज्जन कोई पाठक गजल में रुचि रखते हैं तो आप नोट करते जाइएगा। और गजल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है और शेर की पंक्ति को मिसरा कहा जाता है। और मतला जो होता है, मतले के दोनों मिसरों में काफिया आता है और बाद के शेरों की दूसरी लाइन में काफिया आता है। रदीफ हमेशा काफिये के बाद आता है। रदीफ और काफिया एक शब्द के विभाग हो सकते हैं और बिना रदीफ का भी शेर होता है जो काफिये पर समाप्त होना चाहिए। और गजल के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं, फिर गजल प्रस्तुत करूंगा अपनी। गजल में जो सबसे अच्छा शेर होता है, जो सबसे अच्छा अशार होता है, उसे शाहे वैत कहते हैं। जी शाहे वैत। और गजलों का जो संग्रह होता है उसको दीवान कहते हैं। और गजल मेरे विचार से तुकांतता के आधार पर दो तरह की गजलें होती हैं। पहली मुहद्दस गजलें। और क्या होती हैं मुहद्दस गजलें? जिन गजलों के अशारों में रदीफ और काफिया दोनों का ध्यान रखा जाता है उन्हें मुहद्दस गजलें कहते हैं। और दूसरी होती है मुकफ्फा गजलें। जिन गजलों के अशारों में केवल काफिया का ध्यान रखा जाता है, मुझ जैसे अनाड़ी आदमी की गजलों में, जिन गजलों के अशारों में केवल काफिया का ध्यान रखा जाता है उन्हें मुकफ्फा गजले कहते हैं। गजल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें याद हैं, लेकिन बात लंबी ना हो जाए इसलिए एक गजल आपको सुना देता हूं। जी सुनिए, बहुत सीधे साधे लब्जों में है। युग के साथ साथ सारे हथियार बदल जाते हैं, युग के साथ साथ सारे हथियार बदल जाते हैं और नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं, नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और शेर देखें, और प्यार मोहब्बत के वादे सब निभा नहीं पाते हैं, प्यार मोहब्बत के वादे, प्यार मोहब्बत के वादे सब निभा नहीं पाते हैं और नीति रीति के मानदंड व्यवहार बदल जाते हैं, नौका खेवन वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और एक मुहावरा होता है कंगाली में आटा गीला, उसका मैंने प्रयोग किया है इस अशार में। कंगाली में आटा गीला भूख बहुत लगती है, कंगाली में आटा गीला भूख बहुत लगती है,
और जीवन यापन करने के आधार बदल जाते हैं। नौका खेलने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। बहुत मन से सुना रहा हूं, पाठक श्रोता कम है इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लाइव का यही तो फायदा है जी। अगला शेर देखें, जैसा देखा वैसा लिखा। जब तप ध्यान योग केवल सीडी टीवी करते हैं, जब तप ध्यान योग केवल टीवी सीडी करते हैं, और पुरुषों और महिलाओं के संसार बदल जाते हैं। नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। क्षमा सरलता धर्म कर्म ही सच्चे आभूषण हैं। क्षमा सरलता धर्म कर्म ही सच्चे आभूषण हैं। और आपाधापी में निष्ठा के तार बदल जाते हैं। नौका खेवन वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और देखिएगा, और फैशन की अंधी दुनिया ने नंगापन अपनाया। फैशन की अंधी दुनिया ने नंगापन अपनाया, और बेशर्मी की गफलत में श्रृंगार बदल जाते हैं। नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और मत्ते से पहला शेर देखिएगा। माता पिता तरसते रहते अपनापन पाने को। माता पिता तरसते रहते अपनापन पाने को, और 4 दिनों में बेटों के घर बार बदल जाते हैं। 4 दिनों में बेटों के घर बार बदल जाते हैं। नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और मत्ता देखिएगा, ये फोन भी परेशान करते हैं जी। मत्ता, और भैया बने पड़ोसी बैरी बने जिंदगी भर के। भैया बने पड़ोसी बैरी बने जिंदगी भर के, और भाई भाई के रिश्ते और प्यार बदल जाते हैं। नौका खेवन वाले खेवनहार बदल जाते हैं। युग के साथ साथ सारे हथियार बदल जाते हैं। नौका खेने वाले खेवनहार बदल जाते हैं। और एक छोटी सी गजल का और सुना देता हूं। जिंदगी के गीत गाता जा रहा हूं, जिंदगी के गीत गाता जा रहा हूँ, और सांस की सरगम सुनाता जा रहा हूँ। सांस की सरगम सुनाता जा रहा हूँ। शेर देखें, पांव बोझिल हैं थकी है पीठ भी, पांव बोझिल हैं थकी है पीठ भी, और बोझ जीवन का उठाता जा रहा हूं, और जिंदगी के गीत गाता जा रहा हूं। मिल गया जो भी नजराना मुझे, मिल गया जो भी यहाँ जो कुछ मुझे, और शान से उसको लुटाता जा रहा हूं। मिल गया है जिंदगी में जो मुझे, और शान से उसको लुटाता जा रहा हूं। सांस की सरगम सुनाता जा रहा हूं। उम्र अब कितनी बची है क्या पता, उम्र अब कितनी बची है क्या पता, और घोंसला फिर भी बनाता जा रहा हूँ, और सांस की सरगम सुनाता जा रहा हूँ। कुछ पुराने साज दामन में समेटे, कुछ पुराने साज
दामन में समेटे सादगी से सुर सुनाता जा रहा हूं। और है अमावस ज्ञान का पसरा अंधेरा, है अमावस ज्ञान का पसरा अंधेरा, और आस का दीपक जलाता जा रहा हूं। और देखिएगा दो शेर और हैं, मैं उजड़ते बाग का बूढ़ा शजर हूं, मैं उजड़ते बाग का बूढ़ा शजर हूं, और फर्ज को अपने निभाता जा रहा हूं, फर्ज को अपने निभाता जा रहा हूं। और उस बुलंदी के बचे जो भी निशान, खैर मैं उनकी मनाता जा रहा हूं। और मत्ता देखिए, और जिंदगी के जलजलों की उलझनों में, जिंदगी के जलजलों की उलझनों में, और रूप की शतरंज बिछाता जा रहा हूं, जिंदगी के गीत गाता जा रहा हूं, और सांस की सरगम सुनाता जा रहा हूं। मित्रों कुछ और बातें करनी है आपसे। मित्रों यदि गद्य का मानक व्याकरण है तो पद्य का मानक गेयता है। अगर गेयता नहीं होगी तो वो पद्य नहीं कहलाता। लेकिन दुख की बात है कि आजकल लोग गद्य गीत लिख रहे हैं। एक दोहा लिखा था, लिख करके आलेख को अनुच्छेद में काट, और हल्दी लगे न फटकरी, हल्दी लगे न फटकरी, कविता बने विराट। अब सुनिए छंद क्या होता है। छंद के छह अंग होते हैं, ज्यादा भी होते हैं लेकिन मुख्य मुख्य अंग छह होते हैं। गति यति तुक लय मात्रा गौर गण, गति यति तुक लय मात्रा और गण। गति क्या होती है? पद्य के पाठ में जो बहाव होता है उसको गति कहा जाता है। और यति क्या होता है? पद्य को पाठ करते समय गति को तोड़कर जो विश्राम दिया जाता है उसे यति कहते हैं। अब आता है तुक। तुक क्या होता है? समान उच्चारण वाले शब्दों के प्रयोग को तुक कहा जाता है, और पद्य प्रायः तुकांत तो होते हैं, चाहे वो कविता हो या गीत हो। अब आती है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। और मात्रा दो तरह की होती हैं, लघु और गुरु। लघु को हम ह्रस्व कह सकते हैं और दीर्घ को गुरु को हम दीर्घ कह सकते हैं। लघु मात्रा का मान एक होता है और गुरु मात्रा का मान दो होता है। अर्थात जिस वर्ण को बोलने में एक गुना समय लग रहा है उसको लघु कहा जाता है, और जिस वर्ण को बोलने में दो गुना समय लगता है उसको गुरु कहा जाता है। अब आते हैं गण। उबाऊ तो नहीं हो रहा है मेरा ये प्रवचन? खैर बात सुन लीजिएगा, अनुभव की बात बता रहा हूं। गण क्या होते हैं? मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए कहां पर कौन सा वर्ण रखना है, इसकी सुविधा के लिए
वर्णों के समूह को एक एक गण मान लिया जाता है और गणों की संख्या 8 होती है, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। और इसके लिए मित्रों एक सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से आपको गण याद हो जाएंगे। यमाता राज भान सलगा, ये सूत्र है। और इसमें पहले 8 वर्णों में गणों के नाम है, 8 गणों के, और अंतिम 2 सलगा ला और गा, लघु और गुरु, ये मात्राओं के सूचक है। ये बात हो गई छंद की। मित्रों मुझे लोग दोहा सम्राट कह देते हैं लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। एक से एक रत्न भरे पड़े हैं हमारे भारत में और विश्व में, बहुत अच्छे अच्छे दोहाकार हैं और मुझे भी दोहा प्रिय है, इसलिए दोहे के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं। दोहे की सबसे बड़ी विशेषता यह है और उसकी नाजुकता यह है कि आपको अपनी बात 2 पंक्तियों यानी 4 चरणों में, 2 पंक्तियों में आपको पूरी बात कहनी पड़ती है, जबकि गीत में, गजल में, मुक्तक में आपके पास विकल्प होता है, एक लाइन में बात पूरी नहीं हुई तो दूसरी लाइन में हो जाएगी। लेकिन दोहे की सुंदरता, दोहे की कठिनता, दोहे की सरलता इसी में है, दोहे की विशेषता इसी में है कि आपको 4 चरण और 2 पंक्तियों में अपनी बात पूरी करनी होती है। दोहा 4 चरणों से युक्त, ध्यान से सुनिएगा, दोहा 4 चरणों से युक्त अर्ध सम्मात्रिक छंद है, जिसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दोहे के सम चरणों का अंत पताका यानी गुरु और लघु से होता है, और दोहे के विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में जगण का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेयता प्रभावित होगी, और दोहे के विषम चरणों के अंत में अगर सगण, रगण या नगण आ जाते हैं तो दोहे की गेयता बहुत अच्छी हो जाती है। सगण 1 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा, रगण 2-1-2, नगण 1-1-1, ये कुछ दोहे की बातें थी। और मेरा एक सुझाव है नवोदित दोहाकारों के लिए कि दोहे की रचना करने के बाद इसको गाकर जरूर देख लें। यदि गाने में व्यवधान आता है, कहीं भटका अटकाव आता है तो आपका दोहा सही नहीं है। बहुत से विद्वानों ने दोहे के 23 प्रकार बताए हैं लेकिन वो सब उलझाने वाले प्रकार हैं, मैं इनको नहीं मानता हूं। नवोदित दोहाकारों को या स्थापित दोहाकारों को दोहे के इन 23 प्रकारों से बचना चाहिए और सीधे सीधे 11-13 मात्राओं का ध्यान रखते हुए अपने दोहों का वाचन और दोहों की रचना करनी चाहिए। देखिए कुछ दोहे, 2 अक्टूबर के बारे में देख लीजिएगा। बापूजी का जन्मदिन देता है संदेश और रहे नहीं इस देश में अब दूषित परिवेश, साफ सफाई पर रहे
लोगों का अब ध्यान और साफ सफाई पर रहे लोगों का जब ध्यान, और तब होगा संसार में भारत देश महान। नहीं पनपना चाहिए छुआछूत का बीज, नहीं पनपना चाहिए छुआछूत का बीज, और सभी मनाएं प्यारे से ईद दिवाली तीज। हर दफ्तर में है टंगा गांधी जी का चित्र, और लेकिन फिर भी घूस का चलता खेल विचित्र। और काम न हो बिन घूस के यह चल पड़ा रिवाज, और खेल घिनौना देख कर शर्मिंदा है लाज। बापू जी की सीख को भूल गए हम आज, और इसीलिए तो देश का बिगड़ा हुआ मिजाज। और अंतिम दोहा है इस कड़ी का, बिना काम के मांगते, बिना काम के मांगते, और लोग जहां अधिकार, और जन्म वहां पर किस लिए लेंगे फिर अवतार। और मित्रों, मैं अपनी बात सीधी सीधी कह देता हूं, अपने बारे में कहता हूं, जो समाज को दे दिशा वो ही है साहित्य, और दोहों में मेरे नहीं, दोहों में मेरे नहीं होता है लालित्य। और कुछ और बता देता हूं आपको मित्रों, पद्य साहित्य में लोग गीत को कविता कह देते हैं और कविता को गीत कह देते हैं। या तो ये जानकारी का अभाव है या उनकी बुद्धि का फेर है कि लोग कविता को गीत और गीत को कविता, इसको लिखने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, गीत और कविता क्या होती है। गीत और कविता दोनों में गेयता होती है, जो गाए जा सकें वो गीत और कविता कहलाते हैं। दूसरी बात, गीत में अंतरा होता है, जिसमें गीत की पहली पंक्ति अर्थात टेक के अनुसार तुकांत शब्द होता है प्रारंभिक पंक्ति, पहली और दूसरी पंक्ति। गीत में अंतरा होता है, जिसकी प्रारंभिक दो पंक्तियां होती हैं उनमें तुकांत शब्द होता है और वो टेक कहलाती है। तीसरा अंतर क्या है, गीत को संगीत के रागों में लयबद्ध किया जा सकता है, किंतु कविता को रागों में नहीं बांधा जा सकता है। उपयोगी बात आपको बता रहा हूं, गीत और कविता दोनों ये कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं और उनमें विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु गीत एक संगीत की रचना है जिसको संगीतबद्ध किया जा सकता है, और कविता को भी गाया जा सकता है, गीत को भी गाया जा सकता है, पाठ के रूप में पढ़ा जा सकता है कविता को, लेकिन गीत का अर्थ तो शब्द से ही स्पष्ट होता है। गीत
गीत अर्थात गाया जाना, जिसको गाया जा सके वो गीत कहलाता है। और कविता में कवि जो रचनाकार हैं वो अपने आंतरिक अनुभवों को प्रकट करते हैं और गीत में भी करते हैं, किंतु गीत में अंतरे में तुकांत शब्द लाने के लिए जोर जबरदस्ती की जाती है। मेरी बात का अधिक विस्तार न हो जाए इसलिए अब मैं सीधे सीधे आपके सामने एक बाल गीत प्रस्तुत करता हूं। थोड़े दिन पहले लिखा था, जननी जन्म भूमि को अपनी, बच्चों कभी नहीं बिसराना। जननी जन्म भूमि को अपनी, बच्चों कभी नहीं बिसराना। ठाट बाट को छोड़ हमेशा साधारण जीवन अपनाना। ये हमारी टेक आ गई। और रोज नियम से आप सींचना अपनी बगिया की फुलवारी। मत मजहब के गुलदस्ते सी वसुंधरा है प्यारी प्यारी। और अपनी इस पावन धरती पर वैमनस्य को मत उपजाना। ठाट बाट को छोड़ हमेशा साधारण जीवन अपनाना। और देखें अगला बंद देखें, सुख दुख का सबके जीवन में चक्र सदा है चलता रहता। सुख दुख का सबके जीवन में चक्र सदा है चलता रहता। और वो महान है जो दोनों को सहज भाव से हंसकर सहता। और विपदाओं के कठिन काल में कभी न तुम है घबराना, कभी नहीं तुम घबराना। ठाट बाट को छोड़ हमेशा साधारण जीवन अपनाना। और देखें, पथ में कंकड़ पत्थर बिखरे कांटे उगे हुए गुलशन में। और पथ पर आगे बढ़ते जाना आशाओं को रख कर मन में। और सत्य अहिंसा हर हालत में सबको है हथियार बनाना। ठाट बाट को छोड़ हमेशा साधारण जीवन अपनाना। और अंतिम छंद है इस गीत का, बाल गीत का, भारत के हैं भाग्य विधाता, होनहार होते सब बच्चे। और छल फरेब को नहीं जानते, बालक होते मन के सच्चे। ओ प्यार बांटना सारे जग में, सबको अपने गले लगाना। और ठाट बाट को छोड़ हमेशा साधारण जीवन अपनाना। ये तो गीत हुआ। अब कविता, एक बाल कविता सुन लीजिएगा जी। याद कर रहा हूं, कितना सुंदर और सजीला, खट्टा मीठा और रसीला। हरे सफेद बैंगनी काले, छोटे लंबे और निराले। और शीतलता को देने वाले हैं शहतूत बहुत गुण वाले, हैं शहतूत बहुत गुण वाले। शहतूत की कविता है। पारा जब दिन का बढ़ जाता तब शहतूत बहुत मन भाता। इसका पेड़ बहुत उपयोगी और ठंडी छाया बहुत निरोगी। टहनी डंठल सब हैं बढ़िया, इनसे बनती हैं टोकरिया।
और रेशम के कीड़ों को पालो, घर बैठे धन खूब कमा लो, आंगन बगिया में उपजाओ और खेतों में शहतूत उगाओ। जी ये बाल कविता थी। और गीत क्या होते हैं ये तो बता दिया मैंने, जो गाए जा सके वो गीत। और गीत दो तरह के होते हैं, स्वर और लय ताल से गठित शब्दों की सुंदर रचना गीत कहलाती है। गीत के शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं, दो तरह के शब्द होते हैं। और सार्थक शब्द कौन से होते हैं? सार्थक भजन गीत ठुमरी ख्याल आदि, ये सार्थक होते हैं। और निरर्थक कौन से होते हैं? निरर्थक होते हैं ता धूम तिरकट धूम, तीन तीन और इस तरह के जो ये बातें आती हैं, ये निरर्थक होते हैं। एक गीत आपको सुना देता हूं अपने काव्य पाठ के अंत में, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। जब जब आती मस्त बयारें तब तब हम लहराते हैं, जब जब आती मस्त बयारें तब तब हम लहराते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। ये सुमनों को पुष्पों को लेकर मैंने रचना की थी, आपको सुना रहा हूं। जब जब आती मस्त बयारें तब तब हम लहराते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। हमसे ही अनुराग प्यार है, हमसे है मधुमास जुड़ा, हमसे ही अनुराग प्यार है, हमसे है मधुमास जुड़ा, हम संवाहक संबंधों के सबके मन को भाते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। और देखिए, स्वागत अभिनंदन हमसे है, हम ही बधाई देते हैं, कोमल सेज नई दुल्हन की आकर हम ही सजाते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। तितली और शहद की मक्खी को पराग हम देते हैं, तितली और शहद की मक्खी को पराग हम देते हैं, अपनी मोहक मुस्कानों से भंवरों को भरमाते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। और देखें, खुश हो करके मिलो सभी से, जीवन बहुत जरा सा है, खुश हो करके मिलो सभी से, जीवन बहुत जरा सा है, सुख दुख में हंसते रहने का हम तो पाठ पढ़ाते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। और देखिए मित्रों, तोड़ हमें उपवन का माली विजय माल को गूंथ रहा, तोड़ हमें उपवन का माली विजय माल को गूंथ रहा, हम गुलाब हैं रंग बिरंगे अपनी गंध लुटाते हैं, कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। और मित्रों अंतिम छंद है, रूप हमारा देख देख कर, रूप हमारा देख देख कर जगमोहित सा हो जाता,
रूप हमारा देख देख कर जग मोहित सा हो जाता। हम कांटों में कांटों की पहरेदारी में गीत खुशी के गाते हैं। सुर में गाकर कोयल क्यों तुम समय गंवाती हो? कौन सुनेगा सरगम के सुर किसको गीत सुनाती हो? और बाज और बगलों ने सारे घेर लिए हैं बाग। अभी खारे गागर के पानी में नहीं गलेगी दाल कभी। पेड़ों की झुरमुठ में बैठी किसकी आस लगाती हो? कौन सुनेगा सरगम के सुर किसको गीत सुनाती हो? चील जहां पर आसपास ही पूरे दिन मंडराती हैं, नोच नोच कर मरे मांस को दिन भर खाती जाती हैं। जो स्वच्छंद हो चुके उन्हें क्यों लोकतंत्र सिखलाती हो? कौन सुनेगा सरगम के सुर किसको गीत सुनाती हो? और जो जग को भा जाए वही भाषा सच्ची कहलाती है। सीधी सच्ची भाषा ही तो सबका मन बहलाती है। अपनी मीठी वाणी से तुम सबका दिल बहलाती हो। कौन सुनेगा सरगम के सुर किसको गीत सुनाती हो? और अंतिम छंद है मेरे काव्य पाठ का, भी ये अंतिम चरण है। तन हो भले तुम्हारा काला सुर तो बड़ा सुरीला है। देखा जिनका रूप सलोना उनका मन जहरीला है। गूंगे बहरों की महफिल में क्यों इतना चिल्लाती हो? कौन सुनेगा सरगम के सुर किसको गीत सुनाती हो? इसी के साथ मैं डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, निवासी खटीमा उत्तराखंड, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंदी, जय नागरी। प्रणाम।